अच्छा फैसला है, राजकर्मी का दर्जा लोगों को मिले, शिक्षकों को अधिक से अधिक सुविधा मिलनी ही चाहिए। और सरकार ने फैसला लिया है, एक तो विलम्ब से लिया गया फैसला है, लेकिन ठीक है, उचित फैसला है, लोगों को सुविधा मिले, इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग भी इस बात को उठाते रहे हैं। दिल्ली में जो बैठक हुई सर, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद कई तरह की चर्चाएं हुई। आपको क्या लगता है कि वाकई में जो गठबंधन जो बना है वो मुकाबला करने के लिए तैयार है? इंडिया गठबंधन से आप लोग से मुकाबला अब करोगे? गठबंधन है ही कहाँ, गठबंधन की मीटिंग हो जाती है जबरदस्ती इधर से उधर लोगों को जुटा करके। और मीटिंग में क्या होता है, इस बार भी जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसी एक नेता ने किसी का नाम प्रस्तावित कर दिया, एक ने समर्थन कर दिया, बाकी लोग नाराज हो गए, उठकर चले आए। अब बाहर में आकर जो स्थिति देख रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि गठबंधन इसको कहा जाए। ये तो आपस में लोग लड़ रहे हैं क्योंकि स्वार्थ के आधार पे लोगों की दोस्ती है, सब लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों, तो इस तरह से थोड़े हो सकता है। अगर विकल्प बनने का वास्तव में प्रयास करना है एनडीए का, तो उसके लिए एजेंडा क्या है, एक नाम पर उन लोगों की सहमति, तो इस तरह का तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, वो तो आपस में लोग भिड़ रहे हैं। तेजस्वी जी को ताजपोशी को लेकर भी खबरें आ गई, लालू जी ने कहा कि तेजस्वी जी की ताजपोशी हो जाएगी, तो बिहार में आपको लगता है कि आपने भी आशंका जाहिर की थी कि देखिए, नहीं हम होगा? तो शुरुआती दौर से कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी का एनडीए से नाता तोड़ना, महागठबंधन के साथ जाना, उसके कुछ दिन के बाद ही खबर आने लगी थी कि कोई आपस में इन लोगों के साथ डील हुई है, और उस डील के आधार पे तेजस्वी को देर सवेर बिहार की सत्ता सौंप देना और आरजेडी में जेडीयू को विलय कर देना। तो यह तो पहले से, अब ठीक है कि कुछ राजनीतिक परिस्थिति, कुछ व्यवधान, कुछ पार्टी के अंदर के लोगों का विरोध, समर्थकों का विरोध, इसके चलते कुछ मामला बीच में रुक जाता है, अदरवाइज डील तो पक्की है इन लोगों की, और उसके आधार पे बाकी लोग इस डील को भले आगे पीछे करें, लेकिन लालू जी कहाँ मानने वाले। लालू जी का तो एकमात्र मकसद है अब राजनीति में कि उनका बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि मालूम है, उनको भी मालूम है कि कभी भी जनरल इलेक्शन से जनता उनके बेटा को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, तो उस इलेक्शन से पहले एक बार मुख्यमंत्री का तमगा लग जाए, तो इसलिए है उनकी ओर से कोशिश। नीतीश को बैठक होनी है सर, उनकी बैठक होनी है, लेकिन आपको लगता है कोई जेडीयू बड़ा फैसला जो है वो लेने वाली, जो चर्चा है कि अब जो है जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हटके दूसरे कोई बनेंगे, तो आप लोगों को भी कोई देखिए, संख्या? यह तो जेडीयू के अंदर का मामला है, लेकिन हम तो शुरुआती दौर से बोल रहे हैं कि कुछ भी एक्शन, जब से महागठबंधन से इन लोगों ने रिश्ता जोड़ा और नीतीश जी ने तेजस्वी के नाम की घोषणा की, तभी से जेडीयू धीरे धीरे अब डूबती जाने वाली पार्टी है, तो उसी तरफ पार्टी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। जो कुछ भी अब हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, हम लोग तो बाहर से, आप लोग जो खबर देते हैं उसके माध्यम से चीज़ों को देखते हैं, सच क्या है हम लोगों को क्या पता, लेकिन कुल मिला जुला कर अब जेडीयू भी अंतिम सांस गिन रहा है, बाकी और कुछ नहीं। टूटने वाली है, आपको भी आशंका है कि जेडीयू टूटने वाली है बाद में? टूटने वाली क्या है, अब टूट टूट कर बिखर जाने वाला, सीधे बिखर जाने वाला, अब टूटने का कोई मतलब नहीं, अब तो बिखर जाने वाला है। ललन सिंह के छोड़ने के बाद नहीं, ललन सिंह छोड़ने के बाद की बात हम कैसे करें कि कौन छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है, लेकिन कुल मिला जुला कर जेडीयू अब समाप्ति की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है।